पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की विचार पर विश्वास किया है। राहुल जी पहले ही कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं और आने वाले दिनों में 14 जनवरी से उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निर्धारित है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने कहा, हमने हमेशा लोगों को जोड़ने में विश्वास रखा है, बांटने में नहीं। भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी धार्मिक नेताओं का अपमान कर रही है। मंदिर का उद्घाटन नहीं होता, उद्घाटन हम लोग बिल्डिंग का किया करते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हमारे धर्मगुरु पंडित के माध्यम से कराते हैं, नेता लोग प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। कांग्रेस शुरू से बात कह रही है कि ये नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और इसको लेकर राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा की, और अब फिर से 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग तो जोड़ने में विश्वास करते हैं, तोड़ने में नहीं। ये तो फूट डालो राज करो की नीति जो इसकी चल रही है कि आदमी के दिमाग में इतना हिंसा नफरत और घृणा भर दो कि आसानी से उसका वोट शिफ्ट हो जाए। जो मूल मुद्दे हैं आम जनता के, वो चाहे बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, अभी अब ट्रेन नहीं चल रही उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, मालगाड़ी धकाधक चल रही है, पैसेंजर ट्रेन बंद, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हुए हैं, जब क्रूड ऑयल 31% सस्ता हो गया तो पेट्रोल डीजल क्यों सस्ता नहीं होना चाहिए, इसकी कोई चर्चा नहीं, किसानों के आय दुगुनी करने की बात हुई थी कोई नहीं कर रहा है। तो ये मूल मुद्दा है आम जनता की, जिसके बारे में ये लोग मौन रखे हैं, क्योंकि उसको तो धर्म के आधार पर लड़ाई करा के वोट मिल जाता है तो दूसरा काम क्यों करे। लेकिन अब जब धर्म के नाम से बात हो रही है तो हमारे धर्म गुरुओं के भी अपमान हो रहा है। आडवाणी को कहा गया कि आप मत आओ, ऐसा कोई निमंत्रण होता है जी? घर घर के बड़े बुजुर्ग हो, घर में कोई शादी ब्याह हो तो सबसे पहले बड़े बुजुर्ग सामने रखा जाता है, और यहाँ कह रहे हैं आडवाणी जी जो ये राम मंदिर के लिए उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, अब उसको कहते हैं कि उस कार्यक्रम में मत आओ। शंकराचार्य है उसको कहते हैं मत आओ, वो नहीं जा रहे हैं, मत आओ नहीं कह रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि मंदिर का उद्घाटन नहीं होता, भवन का उद्घाटन हम लोग बिल्डिंग के करते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हमारे जो धर्म गुरु है, पंडित हैं, उनके माध्यम से पूजा पाठ कराते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, नेता लोग प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। लेकिन ये सब हो रहा है तो हम तो कहते हैं भाई मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, स्वागत है। मुझे तो आप ही लोगों ने पूछा था आप जाएंगे, बोले जाएंगे, लेकिन निमंत्रण ही नहीं है। और फिर मोदी जी बोल भी दिए कि आपको मतलब अभी आना नहीं है किसी को, है ना? देखो